असम के पश्चिमी कार्पे अवलोंग जिले के खेरनी चराली से देंग मुख तक आज दिन के 11 बजे शिलोंग रोड की सबसे खराब स्थिति के खिलाफ ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ ऑल असम गोरखा स्टूडेंट्स यूनियन ने संयुक्त रूप से एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाला। ये सड़क कार्पे अवलोंग दीमा हसायो और शिलोंग को लंका हुजोई जिले से जोड़ता है। इस शांतिपूर्ण जुलूस में क्षेत्र के कई स्कूलों के छात्र छात्रा शिक्षक के अलावा ऑल असम गोरखा स्टूडेंट्स यूनियन कार्बे अवलोंग जिला समिति के सह सचिव राजू सपकोटा और खगेंद्र थापा शामिल थे। इस सड़क पे 1 से 2 फुट के गड्ढे उखड़ी गिड्डी अरे ये गांव की पगडंडी नहीं है, यह खेरनी चराली से देंग मुख की पक्की सड़कें हैं। इन सड़कों को देखकर समझ नहीं आता कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढों में सड़क है। जिले के तमाम अफसर नेता इन सड़कों से गुजरते हैं लेकिन अफसोस उन्हें भी सड़कों की यह बदहाली स्थिति नजर नहीं आती। वहीं गोरखा स्टूडेंट्स यूनियन के खगेंद्र थापा ने हमारे संवाददाता कृष्णा कुमार वर्मा से बात करते हुए कहा कि इस सड़क से रोजाना हजारों लोग प्रतिदिन आवागमन करते हैं। चराली से देंग मुख तक वाहन चलाना किसी चुनौती से कम नहीं है। यहाँ दर्जनों छोटे बड़े गड्ढे दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे रहे हैं। जरा सी चूक होने के हाथ पैर टूटना तय है। एक बार यहां से गुजरने के बाद दुपहिया वाहन चालक इस रास्ते से स्वतः परहेज करने लगते हैं। स्कूली छात्राओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है। डालमिया सीमेंट फैक्ट्री के लिए चलने वाले ओवरलोड ट्रकों ने मुख्य मार्गों की हालत खराब की हुई है जिसका सामना वर्ष भर आम नागरिक को करना पड़ता है। छात्र संगठनों ने प्रशासन से जल्द इस सड़क पे चलने वाली ओवरलोडेड ट्रकों को बंद करने के साथ ही असम सरकार से इस सड़क की मरम्मत करवाने की मांग की है। खगेंद्र थापा ने कहा कि अगर जल्द से जल्द इस सड़क को चलने लायक नहीं बनाया गया तो आने वाले दिनों में हम इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। और अखिल दिमासा छात्र संघ के आह्वान में और यहाँ पर बंगाली छात्र फेडरेशन के सहयोग में, यहाँ के स्थानीय दल संगठन के सहयोग में और छात्र छात्राओं के सहयोग में हम लोग ने एक पीस प्रोसेशन निकाला है खेरनी चराइल से दोयंग तक। इसका एक ही मकसद है, यहाँ पर जो रास्ता है, जो रोड है, उसका कंडीशन बहुत पैथेटिक है जिसके वजह से यहाँ के लोगों को बहुत तकलीफ सहना पड़ रहा है। बहुत सालों से हम लोगों ने सरकार के सामने हमने अपना मांग रखा कि इस जो रास्ता है इसको जल्द से जल्द ठीक कीजिए, लेकिन सरकार प्रशासन ने इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। इसलिए हम आज इस प्रोसेशन के माध्यम से सरकार को आह्वान करते, असम के PWD मिनिस्टर डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी को आह्वान करते, आप जल्द से जल्द इस मैटर में हस्तक्षेप कीजिए और इस रास्ते को चलने लायक बना दीजिए, वरना हम लोग यहाँ के स्थानीय जो भी छात्र संगठन है और यहाँ के जो भी दल संगठन है उसके सहयोग में इससे बड़ा और बड़ा हम लोग आंदोलन करके दिखाएंगे। बड़ा बड़ा आता है और हम लोग को स्कूल जाने में बहुत असुविधा होता है और हम लोग इस पर बहुत सफर करना पड़ता है। हम लोग को यहाँ पर बहुत डिफिकल्टी होता है जाने के लिए क्योंकि रास्ता पूरा इतना ख़राब है और यहाँ रास्ता में हम लोग जाता है तो सब यूनिफॉर्म में तो मार्ट लग जाता है। कब से खराब है? बहुत सालों से।